तो हाय बच्चों, एक बहुत ही ऐसी चीज़ शुरू करने वाला हूँ जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, हम लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर हम किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। चाहे हम इंडिया में रहते हैं और नई जो गवर्नमेंट है वो हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कह सकते हो आपके, रिजिड है कि नहीं हिंदी में ही बात करो या हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसमें लेकर आए, लाइमलाइट में लेकर आए। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि इंग्लिश की अच्छी स्किल्स होनी सब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपको बाहर जाना हो, चाहे आपको इंडिया में ही एक्सेल करना हो। तो मेरा जो प्लान है बच्चों, ये है कि मेरे पास एक बुक है, तो वो क्या बच्चों, ग्रामर का ग्रंथ कहते हैं बच्चों इसको, ये उसको रेन एंड मार्टिन इंग्लिश की आप आई होप सबने पढ़ी होगी। तो बच्चों मेरा प्लान ये है कि मैं भी अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोगों की इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं क्या करूँगा, रोज़ इसका एक चैप्टर पढ़ूँगा और उसको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करूँगा, और आई होप आप लोग भी उसको यूज़ करो। तो केमिस्ट्री के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है बच्चों आगे बढ़ने के लिए लाइफ के अंदर, और सब कहीं ना कहीं इसको मानते हैं। पूरे दिन हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी तो हम रीजनिंग अच्छे से बना सकते हैं, हम जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आंसर्स हमें लर्न नहीं करने पड़ते, सिर्फ समझ के ही हमारा काम हो जाता है। तो बच्चों अभी मैंने बुक पढ़ी और इसका चैप्टर नंबर वन पढ़ा। चैप्टर नंबर वन इसका बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरे को बुक पढ़ते ही बहुत अपीलिंग लगी, रेनर मार्टिन जो ये इंग्लिश ग्रामर की बुक होती है। तो बच्चों इसमें जो मेरे को मतलब चीज़ अच्छी लगी, बहुत छोटे छोटे चैप्टर दिए हुए हैं और बहुत ही इजी फॉर्म में दिए हुए हैं। तो अभी हम इसको शुरू करेंगे कि मैं इसको फर्स्ट चैप्टर जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, वो ये है कि इसके फर्स्ट चैप्टर में ये बताया गया है कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। तो सेंटेंसेस जो हैं वो चार तरह के होते हैं बच्चों, बहुत इजी वे में इसको समझाया गया है। तो पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब हो गया जहाँ पर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आर यू वेल, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। कुछ होते हैं बच्चों एक्सक्लमेटरी सेंटेंसेस, जिसके अंदर हम कोई फीलिंग शेयर करते हैं, जैसे कि आई कैन से दैट टुडे आई एम नॉट फीलिंग दैट मच हॉट, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। कुछ होते हैं बच्चों एसर्शन या डिक्लेरेशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ पर हम कुछ कुछ जो है वो एक असर्शन बता रहे हैं, एक फैक्ट बता रहे हैं, या फिर हम जो है कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैंने आज से इंग्लिश को लर्न करना शुरू किया है, तो ये एक आप कह सकते हो कि असर्शन या स्टेटमेंट काइंड ऑफ जो है वो असर्शन टाइप ऑफ एक फैक्ट को समझा रहा हूँ। और लास्ट जो है बच्चों वो होता है कोई कमांड देने वाला सेंटेंस, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि नाउ यू शुड स्टार्ट लर्निंग, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो ये हो जाएगा बच्चों एक और तरह का सेंटेंस वो, जिसको हम बोल सकते हैं जिसमें हम कुछ कमांड दे रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला जो मैंने आपको बताया था वो था इंटेरोगेटिव, दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो है एक्सक्लेमेटरी, जिसके एक्सक्लेमेटरी का मतलब हो गया जिसके अंदर आप कोई फीलिंग शेयर कर रहे हैं। मतलब ये बुक ये कहती है कि जब भी हम कोई बात कर रहे हैं तो वो चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर वन मैंने आपको बताया, जिसके अंदर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इंटेरोगेटिव, कोई फीलिंग बता रहे हैं तो एक्सक्लेमेटरी, और अगर कोई हम कोई फैक्ट कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ 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 जो है वो एक डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा डिक्लेरेटिव। और जो लास्ट मैंने आपको बताया था, इसके अंदर बच्चों हम बोल सकते हैं कि एक इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि आपको एक कमांड दे रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला कि यू शुड स्टार्ट, या फिर मैं आपको बोलूँ किसी बच्चे को कि नहीं आज से तुमने इंग्लिश पढ़नी है, तो वो हो जाएगा कौन सा वाला, इम्पेरेटिव। ठीक है, तो इम्पेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब हो गया जहाँ पर हम कुछ कमांड दे रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी का मतलब हो गया जहाँ पर कुछ फीलिंग शेयर कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव जहाँ पर हम कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं किसी से, और एक होता है बच्चों डिक्लेरेटिव जहाँ पर हम कुछ कमांड दे रहे हैं। तो आई होप बच्चों आपको कुछ समझ में आया होगा। मतलब बहुत ही जैसे दो दो तीन, जैसे वीडियो चार पाँच मिनट के, तो रोज़ के 5 मिनट अगर हम इंग्लिश के ऊपर देते हैं और देखते हैं कि इस बुक को, क्योंकि मतलब इसको बुक को ग्रामर का ग्रंथ माना जाता है रेनर मार्टिन को, तो आप भी बच्चों इसको पढ़ सकते हो, इसको अपनी लाइब्रेरी से इशू करा सकते हो, क्योंकि हर लाइब्रेरी में ये होती है। तो हर रोज़ हम 5-5 मिनट अगर इंग्लिश के ऊपर लगाएं और देखते हैं कि हमारी इंग्लिश में कितना इम्प्रूवमेंट आता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, रोज़ एक एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर 5 मिनट दूंगा इंग्लिश के लिए, अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव करूंगा और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव करूंगा। थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।